सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं सभी? होप यू ऑल गाइस आर फाइन। सो गाइस, आज के व्लॉग में जो मैं अपने नए स्मार्ट वॉच जो कि है डीजो वॉच 2 को अनबॉक्स करने वाला हूं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बात वीडियो में करते हैं। सो गाइस, बात कुछ ऐसा है कि ये जो डीजो वॉच 2 है, ये मैंने अपने भाई को उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट किया था। लेकिन अभी दो दिन से मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अनबॉक्सिंग का वीडियो इसका भी डाला जाए, क्योंकि ये वॉच जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो बस अब चलते हैं डायरेक्ट, आपको अनबॉक्सिंग के समय मिलते हैं और दिखाते हैं कि आपको ये कैसा वॉच है। सो गाइस, फाइनली वी अगेन हैव अ बॉक्स जिसके अंदर हमारा डीजो वॉच 2 है, और अब जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे हमारा हर वीडियो का एक रूल है कि सबसे पहले हम करते हैं सैनिटाइज, उसके बाद ही कुछ हम करते हैं, जल्दी से इसको भी हम लोग कर लेते हैं सैनिटाइज और फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। और अब इसको अनबॉक्स करते हैं। वाह, स्मेल तो बड़ा अच्छा था लेकिन सैनिटाइजर का। सो गाइस, एज यू कैन सी, डीजो वॉच 2, ये रियलमी का टेक ब्रांड है। और हाँ, इस बॉक्स का भी क्या करना है वो बता देता हूँ मैं। तो उस बॉक्स का काम हो गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीजो वॉच 2, अब देखते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या है। चार्जिंग केबल है शायद, और कलर जो है गोल्डन पिंक है। प्राइस जैसे 4000 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को ये अप्रोक्स 3000 के आसपास लगा था। बैटरी है 260 mAh, और इंटरनल पॉलीमर लिथियम बैटरी है, ठीक है वो सब। तो हाँ ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं गई। तो इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि कितना ही देर रुक पाएंगे हम लोग। खुल जा, अच्छे से खोलना है, प्यार से एकदम। भाई साहब, कवर के अंदर से ही बड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई, इस डब्बे को फेंकेंगे नहीं, ठीक है? थोड़ा एक्सपेंसिव वॉच है ना, तो उसका एक्सपेंसिव डब्बा भी है, तो उसको अच्छे से रखना है। और फोकस कहाँ गया? और जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हम लोग को वॉच देखने के लिए मिलता है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। बाकी ये बस एक कवर है और कुछ नहीं। ये भी एक कवर है, ये है डॉक्यूमेंटेशंस, इसकी हमें ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम रखेंगे बॉक्स के ऊपर। और एक चार्जिंग केबल मिलता है, वायरलेस चार्जिंग केबल, बस आपको इसके ऊपर वॉच रखना है। एज यू कैन सी, इसको आपको लगाना पड़ेगा अपने चार्जिंग एडेप्टर में। तो बस बॉक्स में इतना ही था। हम सुबह इस धीरे धीरे इस वॉच को निकालेंगे। भाई साहब, क्या ही मस्त लग रहा है गाइस, हल्का सा हैवी भी है। हाँ, हैवी तो होगा ही, मेटल फ्रेम जो है, एलॉय मेटल फ्रेम, चिपक गया था। ओके, सेंसर्स भी है, लाइट भी है। अब तुम यही रह गए, तुम भी जाओ वहीं पे। ओके, तो गाइस ऐसा कुछ लुक है इस स्मार्ट वॉच का, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। अगर इस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा मेटल फ्रेम बॉडी है, और जो इसका ग्लास भी है वो कर्व्ड ग्लास है, और इसका जो स्क्रीन है वो सबसे बड़ा स्क्रीन है अब तक का स्मार्ट वॉच का, जो कि है 1.69 inches का, जो कि एक LCD स्क्रीन है। और ये जो है 600 nits के ब्राइटनेस के साथ आता है। बाकी अब इसको हम लोग सेटअप करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो गाइस, अब सीधा मिलते हैं
इसको सेटअप करने के बाद। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सेटअप करके ऑफ कर दिए थे और वापस ऑन करने पे डीजो वॉच लिख कर आया। और ये है इसका कुछ फ्रंट इंटरफेस। बाकी ये टच स्क्रीन है, ये बस लॉक अनलॉक बटन है, बाकी पूरा टच स्क्रीन मोबाइल है। क्या बोला तूने? और इसको अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखते हैं तो फिर आप इससे म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं और फ़ोन कॉल्स रिसीव और डिक्लाइन कर सकते हैं, मैसेजेस रीड कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें जो है 15 प्लस स्पोर्ट्स मोड आते हैं, 100 प्लस स्टाइलिश फेसेस आते हैं जो कि मतलब फ्रंट फेस होता है इसका वो। उसके अलावा इसमें जो है आप ब्राइटनेस को भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, बैटरी सेवर मोड भी मिल जाता है, नाइट मोड भी मिल जाता है और फ्लैशलाइट मिल जाता है। बहुत सारे फीचर्स हैं गाइस इसमें। अच्छा, और बाकी जो है ये जैसे ही आप फ़ोन में कनेक्ट करेंगे तो आपको 100 प्लस स्टाइलिश फेसेस मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली वहाँ से इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग मीटर इसमें, फिर SpO2 मीटर भी है इसमें, और बस इतने ही है। स्टॉप वॉच, टाइमर और ये सब है, और वेदर रिपोर्ट भी है, बहुत सारे फीचर्स है गाइस। और ये वॉच मेरे भाई को देने का एक ये भी मकसद था गाइस कि वो जो है मेरे दिए हुए वॉचेस को ज़्यादा केयर नहीं करता था, क्योंकि इससे पहले ही मैंने उसको 2-3 वॉचेस दे रखे हैं। तो मैंने सोचा कि अब वो बड़ा हो ही गया है, थोड़ा कॉलेज लाइफ में जा रहा है, तो क्यों ना उसको एक प्रीमियम वॉच दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि कम से कम उसे पता रहेगा कि हाँ अब समय बदल चुका है, अब जो है समय कुछ और वैल्यू हो गया है। और थोड़ा महंगा वॉच है, थोड़ा एक्सपेंसिव वॉच है, तो उसको वो अच्छे से रखेगा भी, ठीक ही है। इस पर इसको दिया हूँ, अपने लिए भी सोच रहा था लूँगा, लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो अपने लिए क्या लेना, भाई को ही दे देते हैं, उसका बर्थडे पास में था तो मैंने उसको दे दिया। सो आई होप गाइस आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओहो सॉरी, एक मिनट, अभी व्लॉग ख़त्म कैसे हो गया? अभी मैं इसको आपको पहन के दिखाता हूँ, भाई को गिफ्ट किया हूँ तो क्या मैं नहीं पहन सकता क्या? तो इसको अब हम लोग पहन रहे हैं। वाह, वैसे तो अच्छा लग रहा है। और इसमें जो है जब आप हाथ ऐसे करते हैं तो ये अपने आप वेक हो जाता है इसका स्क्रीन, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। सोच रहा हूँ कभी राइड पे जाऊँगा तो अपने भाई से ही ले लूँगा, बोलूँगा भाई दे दे, राइड के समय बहुत काम आएगा। बस गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आप लोग का आज का व्लॉग और इसका अनबॉक्सिंग अच्छा लगा होगा। तो बस गाइस आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।